आप सभी लोगों ने सीटेट एग्जाम के बारे में तो सुना होगा, उसके रिगार्डिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जो सीटेट का एग्जाम होता है उसकी ड्यूरेशन कितने आवर की होती है? 2.5 घंटे की होती है। मोड ऑफ एग्जाम कैसा होता है? ऑनलाइन। मार्किंग कैसे की जाती है इस पेपर के अंदर? 1 नंबर दिया जाता है फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जो सीटेट पेपर 2 है उसका क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट होते हैं इसमें? 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 30। उसी प्रकार से जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या है? मैथ। मैथ से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30, जिसमें से 20 क्वेश्चन क्या है? कंटेंट से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन मैथ की जो पेडागोगी है उससे पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से थर्ड नंबर पर है साइंस। साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30। कंटेंट से कितने होते हैं? 20। और जो साइंस की पैडागोगी होती है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है हमारी लैंग्वेज 1। हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30, जिसमें से 15 क्वेश्चन क्या होते हैं? रीडिंग अनसीन पैसेज से पूछे जाते हैं। लैंग्वेज 2, आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर भी? 30, जिसमें से 15 क्वेश्चन क्या होते हैं? उसकी पैडागोगी से पूछे जाते हैं और 15 कंटेंट से पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 150। और आपको अगर सीटेट क्वालिफाई करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कितने नंबर लाने होते हैं इसके अंदर? 90। थैंक यू।